आखिर पद्मावती पर हरियाणा बीजेपी में क्यों मचा है घमासान? सूरजपाल अमू ने सीएम खट्टर पर लगाए कौन से आरोप? संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावती पर विवादित बयान देने वाले हरियाणा बीजेपी के मीडिया कोऑर्डिनेटर सूरजपाल अमू एक बार फिर सुर्खियों में हैं। अमू ने न सिर्फ अपने पद से इस्तीफा दे दिया है बल्कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पर भी जमकर हमला बोला है। मिली जानकारी के मुताबिक बीजेपी नेता सूरजपाल अमू ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला को जो इस्तीफा भेजा है उसमें उन्होंने लिखा है कि सीएम खट्टर को अब उनकी जरूरत नहीं है। उन्होंने लिखा है कि मीडिया कोऑर्डिनेटर के पद पर रहते हुए मैंने अपना काम ईमानदारी से किया, लेकिन बावजूद इसके सीएम ने उनकी कद्र नहीं की। अमू यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि सीएम को अब समर्पित और निष्ठावान कार्यकर्ताओं की जरूरत नहीं है। अपने पत्र में अमू ने लिखा है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के आसपास कुछ आवंछित लोगों का एक समूह है जो उन्हें बीजेपी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं से पिछले 3 साल से दूर कर रहा है। भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे। हालांकि उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा नहीं दिया है। दरअसल सूरजपाल अमू ने संजय लीला भंसाली और दीपिका पादुकोण को लेकर विवादित बयान दिया था। अपने एक बयान में उन्होंने भंसाली और दीपिका का सिर काटने वाले को 5 करोड़ का इनाम देने का ऐलान किया था, जिसके बाद पार्टी ने उन्हें नोटिस जारी किया था। आपको बता दें कि पद्मावती को लेकर जारी विवाद के मुद्दे पर बीते मंगलवार को राजपूती करणी सेना और खट्टर के बीच मुलाकात होनी थी, लेकिन वो मुलाकात नहीं हो पाई, जिससे नाराज सूरजपाल ने मुख्यमंत्री पर जमकर हमला बोला था। उन्होंने समय देने के बावजूद सीएम के करणी सेना से मुलाकात नहीं करने को राजपूत बिरादरी का अपमान करार दिया था। अब अमू के इस्तीफे को उनकी नाराजगी से जोड़कर देखा जा रहा है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।